भाजपा की उज्ज्वला योजना, भाजपा की प्रधानमंत्री आवास योजना, भाजपा की गरीबों के लिए शुरू की गई तमाम योजनाएं पानीपत में दम तोड़ती नजर आ रही हैं। दलित महिला के घर के हालात आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप खुद पर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन्हें इस योजनाओं का हक मिलना चाहिए था, उन्हें क्यों नहीं मिल पा रहा। अरबपतियों के शहर पानीपत में ऐसी गरीब महिला से आपको मिलवाते हैं जिसके नाम पर जमकर राजनीति हुई। पिछले साल की 8 जून को भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के बड़े नेता नकवी साहब इस दलित महिला के घर आए। पानीपत के भी तमाम दिग्गज नेता इस दलित महिला रेणु के घर पहुंचे। इलाके के पार्षद अशोक कटारिया की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो अपने वार्ड में ऐसी महिला ढूंढे जो सबसे दलित भी हो और गरीब भी हो। नकवी साहब वहां पर चाय पीने जाएंगे। गरीब व दलित महिला को ढूंढा गया। पार्षद महोदय ने महिला को सपने दिखा दिए कि मंत्री जी आपके घर चाय पीने आएंगे और आपकी किस्मत रातों रात बदल दी जाएगी। आपके कच्चे मकान पक्के हो जाएंगे, सिलेंडर होगा, लाइट होगी, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। समय और तारीख आई। मंत्री महोदय लंबे चौड़े काफिले और मीडिया के कैमरों के साथ रेणु के घर चाय पीने पहुंचे। दलित महिला ने इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके नकवी साहब और उनके साथ आए काफिले के लिए चाय का इंतजाम किया। मंत्री जी ने चाय तो नहीं पी, पर आश्वासन दे गए कि आपके अच्छे दिन आ गए। मंत्री जी ने ये बोला है, जो तुम्हारी समस्या होगी हम उसको हल करेंगे और टेंशन मत लो किसी भी बात की। किस तरह की समस्या बताई आपने? हमने ये बोला है जी, हम काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी कभी लग गई कभी नहीं लगी, कई बार बच्चे भूखे सो जाते हैं और बारिश में भी सारा दिन ये पानी टपकता रहता है। यही बोला है, दिहाड़ी महीना लगती नहीं है पूरी, 15 दिन में 2-10 बार दिहाड़ी लगी वो भी नहीं लगती। परिवहन मंत्री किशन पवार ने 40,000, शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी ने 10,000 और एक स्थानीय नेता ने 11,000 रुपए देकर चैप्टर को क्लोज कर दिया। वॉइस ऑफ पानीपत की टीम उस तंग गली में रह रही दलित महिला के घर पहुंची। हालात वाकई हैरान कर देने वाले थे। बारिश में कच्चे मकान की छत गिर चुकी थी। तिरपाल डालकर ये महिला अपने 2 बच्चों के साथ सर्द भरी रातों में खुले आसमान के नीचे सोती है। ना तो यहाँ बिजली है और ना ही सोने के लिए कोई ढंग की जगह। नकवी साहब मेरे घर आए थे, मंत्री आए थे, दिल्ली से सेंटर मंत्री है वो आए थे, लेकिन उन्होंने मेरे को ये कही थी कि भी हम जैसे तेरा मकान है हम इसको बना के देंगे, लेकिन अभी तक तो कोई सहायता नहीं हुई। सहायता हुई है लेकिन 40,000 किशन पवार जी ने दिए थे, 11,000 मेरे को एक मिले थे, 10,000 रेवड़ी जी ने दिए थे, लेकिन उसमें मेरा कोई भी काम नहीं हुआ। बारिश आ गई थी तो मकान मेरा गिर गया था, बच्चों के सर पे चोट भी लगी थी ईंटें गिरने से, फिर मेरे को वो तोड़वाना पड़ गया। जो 40,000 मिले थे मैंने मकान तोड़वा दिया सारा, तो फिर मेरे पास मलबा उठाने के लिए और मकान तोड़वाया जो मैंने, सारे पैसे मेरे उसी में खर्च हो गए। दरवाज़ा लगवाया मैंने, पानी लगवाया, अब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है कि भी मैं अपने घर की 4 दीवारी उठा लूँ घर की। अब तरपाल डाल रखे मैंने घर पर, उसी में रहते हैं बच्चे भी मेरे, दोनों एक भाई है मेरा और हम तीनों चारों बहन भाई यहाँ रहते हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, 1 मेरा भाई है, लेकिन उसके अलावा कोई भी सहायता किसी को कैसे नहीं मिली मेरे को। मंत्री था तब तक तो आते रहे, कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा, लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। सब आए हुए थे यहाँ पे, तो उसके बाद तो कोई नहीं आया यहाँ पे, उसके बाद कोई नहीं आया, लेकिन वो इतने कह के गए थे कि हम तेरे को इस जैसे तू रह रही है भी गरीब महिला के घर में चाय पियेंगे, हमने चाय पी है, हम उनका आदर रखेंगे, भी तेरा मकान बना के देंगे, लेटरिन बाथरूम बना के देंगे, तेरे बच्चों के लिए भी स्कूल में भी डलवाएंगे, पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा है सर। अर्चना गुप्ता मैडम है हॉस्पिटल वाली, उन्होंने बोला था, उस टाइम मंत्री आया था, मैडम साथ थी, उन्होंने बोला भी जो भी तबीयत खराब हो, बच्चों को चोट पेट लग जाएगी तो मैं फिर इलाज करूँगी। मेरी लड़की को चोट लग गई थी ऊपर से ईंट गिर के, जैसे मकान टूटने लगा, इसके सर में जी हो गए थे, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली मेरे को। मैं हॉस्पिटल गई अर्चना गुप्ता के पास, अर्चना गुप्ता मैडम ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया, मैंने फोन किया फोन नहीं उठाया। रेणु के पति का निधन हो चुका है। एक बेटा और एक बेटी के साथ रेणु बिना छत के घर में रहती है। बेटी अभी छोटी है लेकिन धीरे धीरे इस बेटी को भी बड़ा होना है। पड़ोस में रहने वाली महिलाएं भी नेताओं को कोसने में लगी है। इनका कहना है कि मंत्री साहब को अपने किए हुए वायदे पर कायम रहना चाहिए था। तो जब से शादी हो रही है जी, जब से देख रहे हैं सर हम, ये मेरी सास है,
हम जब से यहाँ 20-21 साल हो गए यहाँ रहते हैं ना, जब से हम इसके यही हालात देख रहे हैं सर। कभी ये रोड पर पड़ जाते हैं, कभी हमारे घर सोते हैं। इतना बड़ा मंत्री आया था, वो भी कुछ नहीं कर गया। वो भी ऐसे चाय पी के फ़ोटो खिंचवा के चला गया, कुछ नहीं किया सर उसने भी। ठीक है, कभी रोटी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, कभी उससे मांगते हैं, कभी भूखी सो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। ऐसे सर इसका कोई सावधान नहीं होया, ऐसे कैसे है जैसे है। जब तो छत भी थी क्या सिर्फ, अब तो छत भी नहीं है। ये मकान बारिश आई, मकान टूट के ऐसे गिर गया, बच गए। इतनी चोट लगती इनको बहुत ज़्यादा। वो तो शुक्र मान भाई दिन में गिर गया था, रात को गिरता तो रात को कौन उठ के देखता भाई इनका कितनी चोट लगी, कैसे गिरा कैसे नहीं। तो दिन में गिर गया, इसलिए पड़ोसी उठ के भाग लिए सारे, तब जाके ये बचाए सर। फोटो फाटो खिंचाना है? हाँ, फोटो फाटो ये खिंचाना है सर। आते तो इतने हैं, लेकिन सावधान तो कुछ कोई नहीं करके जाता। इसका सुधार तो कोई नहीं करता। इसका बीपीएल का कार्ड भी नहीं बना रखा सर, और क्या सुधार करेंगे इसको। राशन कार्ड का कोई राशन भी नहीं मिलता। पैसे तो दूर की बात है, मकान भी दूर की बात है, लेकिन राशन भी नहीं मिलता इसको। तो राशन कार्ड का वो भी नहीं मिलता सर। अरबपतियों के इस शहर में आखिरकार अशोक कटारिया ने एक गरीब औरत का घर ढूंढा। मंत्री साहब यहाँ पर आए, इन्हें उम्मीद जगी कि इनका मकान बनेगा, लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। मात्र 60,000 रुपये पानीपत वासियों ने इकट्ठा करके दिए, यानी मंत्री साहब ने 40,000 रुपये दिए, रेवड़ी साहब ने 10,000 रुपये दिए, और 10,000 रुपये इनके पास हो रहे हैं। और उनको आश्वासन दिया कि उनका मकान बनेगा। उज्जवला योजना भी शुरू की गई, उसके तहत एक उम्मीद जगी कि घर में कम से कम एक सिलेंडर तो होगा, लेकिन वो सिलेंडर भी नहीं हुआ। हम यहाँ पर आज पहुँचे और इनके घर के हालात देखे, हालात वाकई बद से बदतर हैं। दो बच्चे हैं इनके, घर का थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको हिसाब किताब। ये इनका मकान है, सिलेंडर देखते हैं आप, ये छोटे सिलेंडर से ये लोग गुजारा करते हैं। मकान की छत नहीं है, एक तरपाल के सहारे इस भीषण जो सर्दी अभी आने वाली है, उस सर्दी के दौरान ये इस तरपाल पर अपनी रात गुजारते हैं। दो बच्चे हैं इनके, सर पर छत नहीं है, सर पर इनके जो घरवाले का वो भी हाथ नहीं है, उनका भी स्वर्गवास हो चुका है। तो ऐसे में हालात इनके वाकई बद से बदतर हैं। पानीपत वासियों से ये उम्मीद की जाती है, अगर वो इस खबर को देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उस महिला की थोड़ी सी मदद कीजिए। आपकी थोड़ी सी मदद जो है इनको आशियाना दे सकती है, इन बच्चों के सिर पर छत दे सकती है। तो एक छोटी सी आपकी कोशिश, जैसे आयुष को बचाना के तहत आपने पूरा शहर एकदम इकट्ठा हो गया था और पूरे शहर ने आयुष की मदद की थी, 10 लाख रुपए से ज़्यादा इकट्ठा हो गया था पानीपत में। तो ऐसी एक उम्मीद जो है, वॉइस ऑफ पानीपत भी आपसे एक उम्मीद लगा कर ये बैठा कि इस महिला की मदद कीजिए। और मंत्रियों से भी आग्रह करता है कि सिर्फ फोटो सेशन ना करवाएं, फोटो सेशन करवाने तक ना सीमित रहें, यहाँ पहुँचे और उनकी जो मदद है वो की जाए। और ख़ास तौर पर उन लोगों से अपील करना चाहेंगे जो शहर में पार्कों को तो देख रहे हैं, पार्कों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इन महिला के पास कोई नहीं पहुंचा। ऐसी और भी तमाम महिलाएं जो हैं पानीपत में रह रहे हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, उन सरकारों से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि इन ओर ध्यान दिया जाए, ताकि इन गरीबों के ऊपर छत मिल सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।